हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास टेंथ के इंग्लिश के फर्स्ट ब्लाइट बुक का पोएट्री का चैप्टर नंबर सेकंड है, फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसका कॉम्प्रिहेंशन मैंने ऑलरेडी करा दिया है। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्ले लिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम फायर एंड आइस, यानी फायर एंड आइस कविता का संदेश क्या है। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर रीड कर पा रहे हैं, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसको नोटबुक में नोट करके और इसको लर्न कर सकते हैं। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसका, हाउ विल आइस बी एज ग्रेट एज शफीज फॉर कॉजिंग द एंड ऑफ दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, यानी किस प्रकार हिम इतनी महान और पर्याप्त है कि वह विश्व का अंत कर सकती है। डू यू एग्री विद द पोएट, यानी क्या आप कवि के इस विचार से सहमत हैं। तो इसका भी आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप वीडियो को यहाँ पॉज करके और यहाँ से आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करके और इसको लर्न कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद होगा तो फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।